आज की वीडियो में मैं एक लॉन्चर के बारे में बताने वाला हूँ जो कि मुझे बहुत ही पसंद आया और ये ऐड फ्री है, मतलब कि इसमें कुछ ऐड वैड नहीं आता है। तो ये लॉन्चर पोको फ़ोन का लॉन्चर है, जैसे कि आप जानते हो कि MI का लॉन्चर पोको का, मुझे बहुत ही पसंद आया। इसका कस्टमाइजेशन बहुत ही अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एक डार्क थीम लगाया हुआ है, तो आप थीम भी बदल सकते हैं। यहाँ पर ये जो सेटिंग्स का ऑप्शन है, यहाँ पर सेटिंग्स में दबाने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं ड्रॉयर्स बैकग्राउंड, तो यहाँ पर आप बैकग्राउंड भी लाइट कर सकते हैं या ट्रांसपेरेंट करके अप्लाई कर सकते हैं। तो फिलहाल मैंने ट्रांसपेरेंट किया, तो देख सकते हैं मेरा वॉलपेपर भी बैकग्राउंड में दिख रहा है। वैसे आप डार्क थीम भी लगा सकते हैं, लाइट थीम भी लगा सकते हैं। और ये जो आइकन है इसको भी आप बदल सकते हैं, वो कैसा करना है मैं बताता हूँ। यहाँ पर फिर से सेटिंग्स में जाना है, सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पर आइकन पैक होगा, आइकन पैक में जाने के बाद ये एक डिफ़ॉल्ट आइकन पैक है, और यहाँ पर आप ऐड करना चाहते हैं तो ऐड कर सकते हैं। वो कैसे मैं बताता हूँ, यहाँ पर ऐड मोर में जाना पड़ेगा। ऐड मोर में जाने के बाद सीधा आपको प्ले स्टोर में डायरेक्ट करेगा। प्ले स्टोर में बहुत सारा आपको आइकन पैक मिलेगा, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये वायरल फ्री आइकन पैक है, तो अगर आप इसे इंस्टॉल करते हैं तो यहाँ पर 1 मिलियन डाउनलोड से अगर आप इसे इंस्टॉल कर देते तो आपका आइकन सब कुछ इस तरह दिखेगा, देख सकते हैं यहाँ पर। फिलहाल ये मैं अभी डाउनलोड करने वाला नहीं हूँ, क्योंकि ये थोड़ा ज़्यादा मेमोरी का है और मेरा इंटरनेट थोड़ा उतना ज़्यादा फास्ट नहीं है, इसलिए मैं अभी डाउनलोड करने वाला। तो आप वैसे डाउनलोड करके आइकॉन भी सेलेक्ट कर सकते हैं। वैसे पीछे जा रहा हूँ, पीछे जाने के बाद यहाँ पर ड्रॉ बैकग्राउंड, ये ट्रांसपेरेंट चाहिए कि आपको लाइट चाहिए, ये जैसे कि मैंने बताया था थीम बदल सकते हैं। और यहाँ पर ऐप ड्रॉयर कितना चाहिए आपको, यहाँ पर देख सकते हैं ऐप सजेशन ग्रुप, ये सब मैनेज ऐप ग्रुप सब कर सकते हैं। स्क्रोल पर ओरिजिनल लेआउट करना है या A to Z, मतलब कि ओरिजिनल लेआउट का जैसा चाहिए या A to Z अल्फाबेटली ऑर्डर में चाहिए आपको, तो उस तरह। और वहाँ पर ही होम स्क्रीन, यहाँ पर हाइट आइकन्स, एप आइकन्स ये सब कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा है कस्टमाइज लेआउट, लेआउट भी आप बदल सकते हैं, कितना चाहिए आपको, लार्ज चाहिए, एक्सेल चाहिए। अगर स्मॉल रखता हूँ तो बहुत सारा आइकन्स आएगा, लार्ज रखेंगे थोड़ा आइकन्स आएगा आपका होम स्क्रीन में, तो इस तरह बहुत ही अच्छा है। और इसमें मेन एक चीज़ है, मतलब कि यहाँ पर आप सोचिए अगर आपके पास बहुत सारा ऐप्स है और आपको ढूंढने में तकलीफ़ हो रहा है, तो यहाँ पर डिफरेंशिएट करके दे रहा है, जैसे कि कम्युनिकेशन, एंटरटेनमेंट, तो एंटरटेनमेंट में ये सब ऐप आता है, और फोटोग्राफी में ये ऐप सब आता है, फोटो एडिटिंग ऐप्स वैसा सब। टूल्स में जाए तो यहाँ पर टूल्स सब आ रहा है, देख सकते हैं यहाँ पर ये सब टूल्स हैं। शॉपिंग में जाने से यहाँ पर इस तरह आप कैटेगराइज कर सकते हैं, बल्कि ऑटोमेटिकली कैटेगराइज कर देगा, आपको ढूंढने में मुश्किल नहीं होगा जो भी ऐप आप ढूंढ रहे हो। और अगर आपको नाम पता है तो आप वो ऐप के नाम से भी सर्च कर सकते हैं, जैसे कि मिनिमलिस्ट आ गया। तो इस तरह बहुत ही अच्छा एक लॉन्चर है, इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हो। बहुत ही अच्छा है, मुझे बहुत ही पसंद है, आप एक बार ट्राई करके देखो, ट्राई करके देखो कि आपको ज़रूर पसंद आएगा ये। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगी, इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना।